तो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ अगर साइन दिया हुआ है तो यहाँ sec और tan आएगा, और यहाँ अगर आप cos दे रखा है तो sec का उल्टा cos आएगा और tan का उल्टा क्या आ जाएगा, आपके cot आ जाएगा। ये बोर्ड में आया हुआ है आपके एग्जाम में, और ये अगवा से महावेली में आया हुआ है। देखो इसका क्या करेंगे हम, हर का पढ़ेंगे। पहले ये साइड लो, कौन साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है आपके अंडर रूट का 1 + sin a / 1 - sin a। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें यहाँ से अंडर रूट है और ऊपर भी अंडर रूट है। अब हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेय कर, हर का परिमेय कर कैसे करेंगे, जैसे क्लास 9th में करते थे वैसे ही सेम हमें करेंगे, हर का परिमेय कर। ये है आपके क्वेश्चन, 1 + sin a / 1 - sin a। जो संख्या नीचे दे रखी है उसका उल्टा लेना है, ये कौन सी है, माइनस संख्या लेंगे, प्लस वाली संख्या को अंश और हर से गुणा करेंगे, इनटू गुणा करेंगे 1 - sin a / 1 - sin a को गुणा किए, अंडर लगाना है पूरे पर, तो ये अंडर इस पर भी है और इस पर भी है। अब दोनों गुणा करेंगे तो ये तो ये माइनस का है तो यहाँ लेंगे हम प्लस वाला लेंगे, इसका उल्टा लेना है। अब तो ऊपर वाली संख्या बिल्कुल सेम मिल रही है तो क्या हो जाएगा, 1 + sin a / 1 यह संख्या सेम तो मिल रही है लेकिन फर्क किसका है, चिन्ह का फर्क है। नियम है कि एक संख्या वही प्लस में भी हो और वही किस में हो, माइनस में, उसका मतलब होता है a² - b² ऐसा तो हमारे पास है ऊपर वाली संख्या, तो हमें ऐसा लिखना, मतलब 1 भी कितनी बार है आपके, 2 बार, और साइन भी कितनी बार है आपके पास, 2 बार, इसके ऊपर लगा देंगे हम अंडर रूट। ये तो पूरा सेम मिल रहा था, होल स्क्वायर कर दिया, ये सेम तो मिल रहा था लेकिन चिन्ह क्या था ये आपके अलग अलग, एक भी 2 बार, साइन भी 2 बार, इसके ऊपर होल स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा 1 + sin a / 1 और ये हो जाएगा आपके 1 - ये हो जाएगा आपके sin² a, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसको स्क्वायर लगा हुआ है तो sin² कर दो, वो नियम है sin² और cos को जोड़ने पे कितना आता है, एक आता है। अब हमारे पास 1 इधर लिया हो तो किसका हो जाएगा, माइनस का, sin² - 1 करेंगे तो उधर क्या आ जाएगा आपके, cos आ जाएगा, तो नियम है 1 - sin² a का मान क्या होता है, cos² a, क्योंकि देखो इन ये तो है लंब है ये आधार, तो ये क्या है आपके कर्ण है, तो कर्ण बड़ा है, अगर मुझे मान लो अगर मुझे ज्ञात करना आधार ज्ञात करना क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, साइन घटाओगे तो cos, साइन cos घटाओगे तो साइन आएगा, क्योंकि बड़ी इसमें कौन सी है, इसमें बड़ा एक है। अब देखो 1 + sin a हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 - sin² का मान क्या होता है, cos² a। अब यहाँ पर पूरे को होल स्क्वायर, इसलिए देखो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है ऊपर स्क्वायर है, अंडर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + sin a बटा हो जाएगा आपके cos a, स्क्वायर यहाँ से भी हट गया और यहाँ से भी, क्योंकि हमने यहाँ से क्या हटा दिया है, स्क्वायर रूट हटा दिया। अब ये cos इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों क्या करो अलग अलग, एक तो आएगा 1 / cos a और यही cos इसके लिए भी है, तो ये आ जाएगा आपके sin a / cos a, 1 / cos, 1 / cos आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा आपके sec बन जाएगा, प्लस sin / cos, sin / cos का मान है tan का मान है, ये हो जाएगा आपकी tan a, सेम इसी प्रकार इसमें भी
क्या करेंगे सबसे पहले ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से ये लगा दिया हमने। सवाल क्या दे रखा है, वन प्लस कॉस ए बटा वन माइनस कॉस ए, ये है क्वेश्चन, इसका उत्तर वो लाना है। तो क्या करेंगे हम, हर का परिमेयकरण करने पर, या लिख सकते हो इस संख्या को, इस संख्या के हर और अंश को अंडर रूट वन प्लस कॉस ए से गुणा करने पर, यू भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो हर का परिमेयकरण करने पर। तो क्या है, ये तो है आपके क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन उतारो, वन प्लस कॉस ए बटा हो जाएगा वन माइनस कॉस ए इंटू, अब अंडर रूट जो यहाँ दे रखा है उसका उल्टा लिखना हमें, ऐसे नहीं ये वाला लिख दिया यहाँ पर, ये तो ऊपर मिल गया ऐसे ही, बाकी इसको नहीं, हमेशा इसको देखते हैं, तो हमें इसका हर का परिमेयकरण करना है, ऊपर तो अंश दिया हुआ है, ये माइनस का है, स्वयं ऐसे क्या लिखेंगे इसको, प्लस में लिखेंगे, क्योंकि जैसे प्लस में लिखते हैं तो एक बार प्लस हो जाता है, एक बार क्या हो जाता है माइनस, दोनों को क्या आ जाता है स्क्वायर आ जाता है, तो कैसे अंडर रूट हो, अंडर रूट हमेशा स्क्वायर से हट जाता है, इसीलिए हम एक बार माइनस है तो उसको क्या करते हैं एक बार प्लस से गुणा करते हैं, ताकि संख्या ऐसे बन जाए और स्क्वायर ऑटोमेटिक हट जाए। यह आ जाएगा आपकी वन प्लस कॉस, सेम संख्या लिखनी है, इसका जो साइन है उसका उल्टा लिखना है आपको, ये संख्या बिल्कुल सेम आ गई, तो क्या जाएगा वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा हो जाएगा आपके, ये नियम है कौन सा, एक बार लिखो प्लस में तो एक बार है माइनस में, तो नियम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके ए का भी होल स्क्वायर माइनस कॉस ए का भी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ए का एक ही, ये तो जैसे लिखा मैंने ए का एक ही, और कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो फिर क्या लग जाएगा आपके अंडर रूट, अब तो इसका तो हम अंडर रूट निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्या होल स्क्वायर है, तो यहाँ से अंडर रूट करते स्क्वायर भी हट जाते, लेकिन यहाँ पर जब तक दोनों एक नहीं होंगे, जब तक दोनों की जोड़ बाकी नहीं होंगी, जब तक इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसको वैसे ही करेंगे, या वन माइनस साइन लिखा हुआ था तो कॉस आया, अब यहाँ लिखा हुआ है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आ जाएगा आपके साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा आपके वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा वन माइनस, इसकी जगह आ जाएगा आपके साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, स्क्वायर हट गया तो स्क्वायर भी हट जाएंगे, ये आ जाएगा आपके वन प्लस कॉस ए बटा साइन ए, स्क्वायर हट गया, अंडर रूट हट गया, अब ये साइन इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी, ये आ जाएगा वन बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, वन बटा साइन ये रहा यहाँ पर, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो क्या जाएगा उनके आपके कोसेक बन जाएगा, क्या बन जाएगा कोसेक ए प्लस कॉस बटा साइन, किसका मान है कॉट का मान है, तो ये हो जाएगा आपके कॉट, इति सिद्धम्।